हेलो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम लोग डेवी क्लास 5 के हिंदी के पार्ट 11 बिरसा मुंडा के सारे प्रश्न उत्तर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पाठ में से प्रश्न। एक, मुंडा कौन है, वे कहाँ रहते थे? उत्तर, मुंडा आदिवासी हैं, वे झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में निवास करते थे। प्रश्न दो, किस आंदोलन को सरदार के नाम से जाना जाता है? उत्तर, जमींदारों द्वारा मुंडाओं की जमीन हथिया लिए जाने के कारण उनके विरुद्ध मुंडा आदिवासियों ने जो आंदोलन चलाया वह सरदार जोड़ाई के नाम से जाना जाता है। प्रश्न तीन, मुंडा आदिवासी जंगलों की किस प्रकार रक्षा करते थे? उत्तर, मुंडा आदिवासियों को अपनी जरूरत की सारी चीज़ें जंगलों से ही मिल जाती थी, इसलिए वे वनों की रक्षा करते थे। वे सूखी टहनियों, पत्तियों तथा गिरी हुई डालियों के अलावा कोई भी पेड़ों को हाथ नहीं लगाते थे। प्रश्न चार, अंग्रेजी राज्य समाप्त करने के लिए बिरसा मुंडा ने क्या क्या किया? उत्तर, अंग्रेजी राज्य समाप्त करने के लिए बिरसा मुंडा ने जगह जगह सभाएं की, लोगों को अंग्रेजी हुक्म न मानने की सलाह दी तथा उनके विरुद्ध विद्रोह किया। हिंदी भाषा की बात। नंबर वन, पाठ में आए ऐसे शब्दों को लिखिए जिनमें नुक्ता का प्रयोग हुआ है। अंग्रेजों, गिरफ्तार, तीरंदाजी, फैसला, कब्जा, ज़रूरत, चीज़ें, आज़ादी। नंबर दो, जिस वाक्य में दो क्रियाओं का प्रयोग जुड़ा हुआ हो उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे मुंडा आदिवासी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। पाठ में से दो वाक्य और छाट कर लिखिए। नंबर वन हो जाएगा, वरना हमारे हाथ से ज़मीन निकलती चली जाएगी। खा, उन्होंने सभी के साथ मिलकर अंग्रेजी हुक्म न मानने का फैसला किया। नंबर तीन, निम्नलिखित शब्दों में र प्रयोग कीजिए और दोबारा लिखिए। तो इसका देखिए, इसका होगा दुर्भाग्यपूर्ण, इसका होगा अंग्रेजी, इसका होगा क्रांतिकारी, इसका होगा विद्रोह, इसका होगा दर्ज। अब हम करेंगे जीवन मूल्य। नंबर वन, आप अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किन्हीं पांच कामों की सूची बनाइए। देखिए हो जाएगा, हम अपने देश के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। नंबर एक, देश से भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश करेंगे। नंबर दो, नदियों को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। नंबर तीन, प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करेंगे। नंबर चार, अशिक्षित लोगों को शिक्षा देकर देश के विकास में अपना योगदान कर सकते हैं। नंबर पाँच, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए वृक्षारोपण करेंगे। टू, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जो आपने अपने साथियों की सहायता काम पूरा किया हो। तो आप ये खुद से कर लें। प्रश्न तीन, आपको कब लगता है कि नंबर का आपके माता पिता आप पर हुक्म चला रहे हैं? तो इसका होगा, जब टीवी पर हमारा कोई मनपसंद कार्यक्रम आ रहा हो और हम उसे देखने के में तल्लीन हो रहे, और तभी हमारे माता पिता हमसे कहें कि टीवी बंद करो, गृह कार्य पूरा करो और जल्दी पढ़ने बैठो, तब हमें लगता है कि हमारे माता पिता हम पर हुक्म चला रहे हैं। खा, आपको अपने साथियों के फैसले को मानने से इनकार कर देना चाहिए। जब हमारे साथी हमें कोई ऐसा कार्य करने को कहे जो हमारे और समाज के हित में ना हो, अर्थात कुछ गलत कार्य हो, तो हमें उनके फैसले को मानने से इनकार कर देना चाहिए। अब हम करेंगे कुछ करने के लिए। नंबर वन, हमारे देश में आज भी कई आदिवासी जनजातियां हैं, उनमें से कई किन्हीं पांच के बारे में पता करके नीचे दी गई तालिका भरिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में गोंड भील, झारखंड में मुंडा, मध्य प्रदेश में भीला, उड़ीसा में कौंध, पश्चिम बंगाल में संथाल। नंबर दो, स्वतंत्रता प्राप्त करने के समय महान योगदान देने वाली किन्हीं दो महिलाओं के चित्र उनके नाम सहित नीचे दी गई तालिका में चिपकाइए। स्वतंत्रता प्राप्ति में उनके दिए योगदान को भी संक्षेप में लिखिए।
महिला स्वतंत्रता सेनानी, इसका चित्र लिखना है, नाम चिपकाना है, तो आप यहाँ चित्र बना चित्र चिपका दीजिएगा, यहाँ मैं सिर्फ नाम लिखी हूँ। इसका योगदान देखिए, उन्होंने युद्ध में अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए और अंत में बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। सरोजनी नायडू, तो इनके योगदान को देखिए, आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। ये पाठ हमारे यहाँ समाप्त होता है। बेस्ट लक फॉर मिड टर्म एग्ज़ाम।